नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक बार देवभूमि ऑनलाइन पर। और आज हम गए हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन की तरफ। पहले हम बहुत आया करते थे इधर को घूमने के लिए, आज काफ़ी टाइम बाद मौका मिला है। और ये सामने देखिए, ये ट्रेनें खड़ी हुई हैं। ये यहाँ पर जो है सारी ट्रेनें काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर वॉश होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने साथियों को काठगोदाम रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा दिखाया जाए। जो लोग मुझसे जुड़े लोकल हल्द्वानी या उत्तराखंड से होंगे, कई लोग बाहर के भी जो हैं वो काफ़ी जानते के भी होंगे, कुमाऊँ के लोग। और यहाँ ये देखिए, क्योंकि जो मेरे उसमें बाहर के जुड़े हैं, जैसे गुजरात के हैं लोग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, बहुत सारे मेरे जो फेसबुक अकाउंट में है वो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ देवभूमि मेरे यूट्यूब चैनल में भी। तो उनको मैं एक बात बता दूं, जब भी वो नैनीताल घूमने के लिए या कैची धाम दर्शन के लिए आते हैं बाबा जी के, तो यही रेलवे स्टेशन है जहाँ तक वो लास्ट स्टेशन है कुमाऊँ का, जहाँ वो पहुँचते हैं। उसके बाद यहाँ से वो टैक्सी लेकर या बस के माध्यम से बाबा नेमकरौली जी के आश्रम तक पहुँचते हैं। और पहले हम आके गर्मियों में इधर को थोड़ा वातावरण काफ़ी ठंडा रहता है, पेड़ पौधे, हवा चलती है पहाड़ों की ठंडी, तो हम यहाँ आके बैठा करते थे। और अब पहले क्या था, पहले कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं पड़ता था इधर, पेनल्टी नहीं पड़ती थी, तो हम अक्सर आ जाया करते थे। अब हम नहीं आ पाते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म चार्ज पड़ता है, अंदर जाके हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। और एक बार सम्मू गौ के जब फॉर्म आए थे तो सारे पोस्ट ऑफिसों में बहुत भीड़ लगी हुई थी, तब मैं यहाँ आके भी स्पीड पोस्ट करता था। अब वो दिन भी काफ़ी याद आ रहे हैं, लेकिन सम्मू गौ के खाली फॉर्म ही फॉर्म भरे निकले कभी नहीं, क्या करें, ये वक्त की मार है। लेकिन सौभाग्य है कि आपको मैं अपने चैनल देवभूमि ऑनलाइन के माध्यम से ये सब चीज़ दिखा पा रहा हूँ, और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। और एक चीज़ और दिखाऊंगा, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसके देखिए काफ़ी ज़्यादा टूट फूट यहाँ पर हो रखी है। और अगर हाँ, आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं, अगर जैसे आप इस रेलवे स्टेशन तक आएँ और अगर आपको पहाड़ों के लिए टैक्सी वगैरह पकड़नी हो, तो टैक्सियाँ यहीं खड़ी रहती हैं। ये देखिए मेरे पीछे की ओर टैक्सियाँ खड़ी हैं, ये आपको नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, आपको जहाँ भी जाना होगा वहाँ के लिए आप को यहीं से टैक्सी मिल सकती है। कुछ टैक्सियाँ आगे भी खड़ी हुई हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ को। अभी थोड़ा यहाँ काम वाम चल रहा है इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अभी आपको मेन रेलवे स्टेशन का गेट दिखाऊँगा। और